आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 की विजेता टीम बनी ऑस्ट्रेलिया। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके यह टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 के जो विनर रही वह ऑस्ट्रेलिया की टीम रही और इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, तो न्यूजीलैंड रनर अप रही और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यह खिताब अपने नाम किया। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं क्योंकि करंट अफेयर से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी जानकारी और अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 16 टीमों के बीच खेला गया, जिसमें पहले प्राइमरी राउंड, फिर सुपर 12 और अंत में प्ले ऑफ खेला गया। तो दोस्तों, पहले इसमें प्राइमरी राउंड खेला गया, उसके बाद में सुपर 12 यानी सुपर 12 और अंत में प्ले ऑफ खेला गया और यह जो है टोटल 16 टीमों के बीच में खेला गया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 पहले भारत की मेजबानी में खेला जाना था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण यह टूर्नामेंट यूएई और ओमान में खेला गया 17 अक्टूबर 2021 से लेकर के 14 नवंबर 2021 तक। तो यह पहले भारत में खेला जाना था और वो भी भारत ही इसका मेजबानी करने वाला था, लेकिन भारत में कोविड-19 पेंडेमिक बढ़ने के कारण यह जो टूर्नामेंट है वह यूएई और ओमान में खेला गया और 17 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 के बीच में यह खेला गया और इसमें कुल मैच 45 खेले गए। तो इसमें जो है टोटल मैच 45 खेले गए। तो अब हम बात करते हैं फाइनल मैच के बारे में। तो फाइनल मैच 14 नवंबर 2021 को खेला गया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में। तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में 14 नवंबर 2021 में खेला गया फाइनल मैच और इसमें टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और फील्डिंग का फैसला किया। इसमें कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के आरन फिंच और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। तो दोस्तों, यहां पर टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, जिसके कप्तान आरन फिंच रहे और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन रहे और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीत करके फील्डिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 172 रन 4 विकेट पर बनाए और ऑस्ट्रेलिया की टीम 18.5 ओवर में 173 रन 2 विकेट पर बना करके 7 गेंद शेष रहते हुए 8 विकेट से यह मैच जीत लिया। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 172 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम 18.5 ओवर में 173 2 विकेट के नुकसान पर बना करके यह जो है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप मेंस का खिताब 7 गेंद से शेष रहते हुए जीत लिया और 8 विकेट से यह जीत हासिल कर ली। प्लेयर ऑफ द मैच रहे मिशेल मार्स ऑस्ट्रेलिया के। तो इस फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रहे मिशेल मार्स, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं यह आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 में क्या क्या हुआ था, इसमें यहाँ से भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पहला मैच जो खेला गया वह ओमान और पापुआ न्यूगिनी के बीच में खेला गया, जिसमें ओमान की टीम विजेता रही। तो पहला मैच जो हुआ वह ओमान और पापुआ न्यूगिनी के बीच में खेला गया, जिसमें ओमान की टीम विजेता रही। दोस्तों, यहाँ पर हाईएस्ट स्कोरर कौन रहे? तो हाईएस्ट स्कोरर रहे जोस बटलर इंग्लैंड के, जिन्होंने 101 यानी 101 रन बनाए। तो ये सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे किसी एक मैच में, जोस बटलर इंग्लैंड के। मोस्ट रन यानी कि सबसे ज़्यादा रन कौन बनाए इस टूर्नामेंट में? तो सबसे ज़्यादा रन बनाए बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के कप्तान भी हैं, जिन्होंने 303 रन बनाए, यानी कि 303 रन बनाए बाबर आजम, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा विकेट यानी कि मोस्ट विकेट कौन लिए? तो मोस्ट विकेट लिए वानिंदु हसरंगा, जो श्रीलंका खिलाड़ी हैं और इन्होंने कुल 16 विकेट लिए, यानी कि 16 विकेट लिए ये वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के, और मोस्ट विकेट टेकर बॉलर भी रहे इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में। उसके बाद अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इनिंग स्कोर कौन बनाया, तो यहाँ भारत के द्वारा बनाया गया था 210 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम किसी एक मैच वह इंडिया रही, 210 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बात करते हैं वेस्ट विनिंग परसेंटेज की, यानी कि जीत प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस टीम का रहा अच्छा, तो वह ऑस्ट्रेलिया का रहा 85.7%, यानी कि लगभग आप 86% इसका जीत प्रतिशत रहा ऑस्ट्रेलिया की टीम का। मोस्ट रन स्कोर्ड किसी एक मैच में, यानी कि किसी एक मैच में सबसे ज़्यादा रन बने, तो वह बना
इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया मैच, जिसमें से कुल 368 यानी कि 360 रन बने। तो मोस्ट रन स्कोर्ड इन ए मैच जो है वह 360 रन कुल मिलाकर के बना था, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेल हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं कि टोटल सिक्सेस कितने लगे इस टूर्नामेंट में। तो कुल छक्के लगे 405 यानी कि 405 टोटल छक्के लगे। और बात करते हैं चौके की यानी कि फोर्स, टोटल फोर्स कितने लगे, तो यह लगा 526 यानी कि टोटल 526 चौके लगे और छक्के लगे 405। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों पूरे टूर्नामेंट में बात करते हैं तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे डेविड वार्नर, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। डेविड वार्नर रहे प्लेयर ऑफ द मैच। अब बात करते हैं प्राइज मनी की। तो प्राइज मनी में विनर जो रही ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसको मिला 1.6 मिलियन डॉलर यानी कि 16 लाख डॉलर। और रनर अप न्यूजीलैंड की टीम को मिला 8 मिलियन डॉलर यानी कि 8 लाख डॉलर, यह मिला रनर अप न्यूजीलैंड को। तो ये दोनों प्राइज मनी मिल गया विनर और रनर अप को। इसके अलावा में जितने भी टीमें भाग लिए थे उनको भी कुछ न कुछ पैसा दिया गया है आईसीसी के द्वारा। तो ये इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है क्योंकि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हुआ है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, टोटल सिक्सेस और टोटल फोर्स कितने रहे, और इसके बाद में जो हाइस्ट स्कोरर रहे, मोस्ट रन जो बनाए और साथ साथ मोस्ट विकेट कौन लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।